Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and Shazia. क्या हाल चाल है आपके Shazia? Nice bright yellow flowers and your mustard ochre color का sweater है, shirt है क्या है? Yeah. It's an olive green, लेकिन I think colors different नजर आते हैं. Thank you. Okay, मैंने कहा मेरी बेइज्जती होगी, मैं तो बिल्कुल ही different color बता दिया olive green से, you know. नहीं but नहीं नजर से नहीं आता across. अब you are wearing a black and a bronze thing. Yeah. Bronze ये beige print है उसके ऊपर. Beige and yeah. जी तो आपने मेरी कुछ शॉपिंग कर ली. अच्छी आप आ रही है ना कराची? क्या कर ली, मैं कल शॉपिंग करने गई थी लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए, तो मैंने अपने लिए भी ले ली. यही होता है जब जाते हैं किसी और के लिए लेने के लिए, वो था बाय थ्री गेट थ्री फ्री, वो वाली डील हो रही थी. वो एक्सेसराइज टाइप क्लेयर्स होते हैं ना वहां से, तो फिर आई फाउंड दीज एंड आई सेड ओके सिंस शी इज सेइंग आई कैन गेट थ्री मोर फ्री देन व्हाई नॉट. तुमने मुझे काफी स्पॉइल किया हुआ है, राइट? तुम हमेशा मेरे लिए काफी चीजें भेजती रहती हो, तो तुमने वो ट्रेडिशन जारी रखना है, तुम्हें पता है ना. तो ये मैं छोड़ भी चली जाऊंगी ना, लास्ट टाइम भी छोड़ के गई थी. मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए. ओह ओके 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 ठीक है. अब किसी चक्कर दिया तुमने कहा नहीं था इस दफा. मैं क्यों बोलूं, तुम्हें खुद पता, तुम योर रेपुटेशन. हेलो, यू ऑलवेज सेंड मी स्टफ. तो ओके, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई. अब मतलब इतने बड़े-बड़े गिफ्ट भेज के अब आप इतना से भेजे तो फिर बंदा तो डिसअपॉइंट होगा. आप लोग ठीक है, शाजिया की शादी के खराब है, फेल फेल अच्छी तरह फेल गई है. हां कोई नहीं, मैं फेल रही, मैं नहीं फेल रही, सॉरी तुमने मुझे स्पॉइल किया है. यू हैव टू लिव अप टू दैट. इट्स द फार आई वाज लाइक नो, इफ आई कीप गेटिंग गिफ्ट्स फॉर राबिया शी इज गोइंग टू फील लाइक यू नो ये इतनी सारी चीजें कर रही है मेरे लिए एंड शी विल फील अनकंफर्टेबल. दिस इज एक्चुअली व्हाट आई थॉट. नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं है, रिवाइंड ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ. मुझे तो पूछ लेती यार कि मेरी थॉट्स क्या है. जैसे बाय द वे जो आपने खादी की टॉप की तस्वीर भेजी थी वो मेरी अम्मी खरीद के ला चुकी है, मुझे तस्वीर दिखा चुकी है कि मैं तुम्हारे लिए ले चुकी हूँ ऑरेंज वाला जो है. सो थैंक यू फॉर दैट. मैंने गिफ्ट नहीं लिया बट मैं भी काम करती हूँ. मैं वीकेंड पे गई, मैंने शाजिया को 7 6 7 कुर्तों की टक 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 पिक्चर भेजी जो मुझे लग रहा था कि शाजिया को अच्छी लगेंगी. एंड आई एक्चुअली वाज गोना बाय कि मैं कर लेती हूँ बट यू सेड तुम्हारी अम्मी जाएंगी तो मैंने नहीं किया, अदरवाइज मैंने भेजा इसी नियत से. आई माइट गो एंड चेंज द साइज बिकॉज़ आई विल बी कमिंग. उन्होंने अभी लिया तो भी हो जाएगा. हाँ बट खाड़ी में साइजेस बहुत जल्दी जाते हैं. और अगर खाड़ी में कोई सुन रहा है, प्लीज खाड़ी से रिलेटेड कोई सुन रहा है तो भाई लोगों मतलब क्या मसला हुआ है, आपने साइज 8 बनाना क्यों बंद कर दिया है? आई वॉज श्योर देयर वर टू डिजाइन, साइज 8 ही नहीं है. हेलो भाई प्लीज, मतलब 10 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नॉट फेयर. और वो भी इतना खुला खुला. सो अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज साइज 8 को वापस लेकर आए, वो भी इतने प्यारे प्राइस में. आई वाज विद समवन यस्टरडे एंड शी सेड तो राबिया फरा के लिए कुछ नहीं है. मैंने कहा भाई मैं जब लेती हूँ तो फिर वो लोग कहते हैं इतनी सारी चीजें ले लेती हूँ तो अब ये मुझे यहाँ से डंडा पड़ रहा है. कहा है भाई, ये किसने कहा है? वो हम तकल्लुफन बोलते हैं, पता नहीं है तकल्लुफन बोलते हैं दोस्त. चलो अब याद रहेगा. चलो ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद NASF व्हिच इज नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. अभी रिसेंटली हम उसका इवेंट भी अटेंड करके आए थे और शाजिया इट वाज अ ग्रेट इवेंट और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और ये ISPR का इनिशिएटिव है, वो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली इमेज है या जो यू नो पाकिस्तान के बारे में लोग सोचते हैं नेगेटिवली, वो उसको चेंज करना चाह रहे हैं शॉर्ट फिल्म से, यू नो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाएं. दे ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू दीज एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स. अच्छा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जैसे इस साल जो लोग जीते हैं उन लोग वो लोग गए हैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में टू डू अ फिल्म कोर्स. आई थिंक ये एक साल का स्कॉलरशिप कम्प्लीटली यू नो. सो इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, मैं तो सोच के खुश हो गई यार कि आपका पेड एक साल की स्कॉलरशिप आपको मिले. और एक और चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी शाजिया, वो उन्होंने हर जगह से उनके पास ना लोग आए थे, कराची से भी, बलोचिस्तान से भी, पंजाब से भी. आप बड़ी यूनिवर्सिटी ले लें, आप छोटी यूनिवर्सिटी ले लें, एज में भी बहुत से डिफरेंट लोग थे, यंग लोग भी थे, मिडिल एज भी थे और बहुत डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स थे. सो इट वाज आई थॉट इट वाज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव. और एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं, लाइक कोई DOP भी था, कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है. सो दे वर डिफरेंट फील्ड्स में जिसमें लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. जैसे एक लड़की मुझे मिली तो यू नो शी वाज सेइंग कि बहुत कम फीमेल DOPs बल्कि है ही नहीं शायद, यू नो, एंड शी वाज डूइंग दैट. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और अभी 2022 का उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है थीम अनाउंस कर दी है विच इज ओशन टू माउंटेन्स. एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टूरिज्म इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए. तो आप अगर फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड हैं और आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आप चाहते हैं कि एक बड़ी अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपको आपकी पढ़ाई पेड हो, तो डू पार्टिसिपेट इन दिस. ISPR की वेबसाइट पर आप जाके प्लीज देख सकते हैं NASF के बारे
बारे में नस के इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे आर्टिकल है, उधर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सो डू पार्टिसिपेट, डू मेक अ फिल्म, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई फील. शादी, तुम्हारा क्या ख्याल है? I think it's great. I just wanted to ask you because when you had gone there, to wahan I saw Iqra Aziz and I saw Bahaj Ali and I saw other I think there was Abdul Rahman, Ali Rahman Khan also. So can you tell me ye log kis tarah ki mentoring kar rahe hain? Are they doing it jab log wapas aate hain ya usi time pe? What are they, how are they involved? Okay Shahzad, mujhe exactly is waqt kya ho raha hai mujhe nahi pata, lekin jab inhone start kiya tha ek saal pehle 2021 mein, to kya kiya tha ISPR ne, us waqt covid bhi tha, they took these ambassadors jisme aur log bhi hain, is baar to sirf ye char aapne dekhe, but iske alawa bhi bahut se log hain jo inke sath kaam kar rahe hain, celebrities, influencers, they took them into universities, they did webinars jahan pe ye sare jo सेलिब्रिटीज हैं या जो एक्टर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे थे, उनको मेंटोर कर रहे थे, उनको उनको बता रहे थे यू नो कि ये करें वो करें. तो उन्होंने बहुत एक डेडिकेटेड टाइम पीरियड में एक पूरी कैंपेन रन की थी थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, जिधर ये लोग गए थे, या तो वो खुद गए थे या फिर वो जूम के थ्रू मीटिंग्स हो रही थी. तो इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एंड बहुत से स्टूडेंट्स रिग्रेटेड कि वो उस वक्त नहीं कर सके. तो इस वक्त आपके पास टाइम है कि आप कर सकें. अब शादी जी, सब मैं गई तो उस वक्त इकरा जो थी ना वो मिल रही थी, आई थिंक वहां पे 12 बच्चे थे, 12 लोग थे, बच्चे तो नहीं कहूंगी क्योंकि मिक्स था, तो देयर वर 12 पीपल जिनकी शॉर्ट फिल्म्स को कंसिडर कर रहे थे, ठीक है. एंड इकरा वॉज टॉकिंग टू देम, इकरा वॉज टेलिंग देम ये कर लें वो कर लें. एंड इकरा ने हमारी वीडियो में भी शेयर किया कि she was so impressed the kind of questions people were asking them, you know, कि कोई ऐसे silly question नहीं, like people were really interested, students wanted to explore this field. तो yes, ये लोग continuously उनके साथ काम कर रहे थे. अब कर रहे या नहीं कर रहे mentorship में मुझे इतना नहीं मालूम, but I've seen a lot of celebrities posting about NUST 2022 का कि oceans to mountains का की concept है और उसपे participate करें, वो मैंने बहुत सो के देखा है, you know. Okay, that really sounds good. And I want to add to this, ke hum Rabia hamesha, especially when you do your YouTube videos, you always ask people jo zyada ek mature level pe, senior level pe ja chuke hain, ki aap kis tarah help kar sakte hain mentorship program. I remember Fawad Khan had started something with the script writing, hum kehte hain wo nahi hai. And I was so happy to see yesterday, this is a different venture, ye jo hai ISPR ka, and there is also Patafa Pictures by Sharmeen Dubey Chinoy. And they have actually announced it is 10 places, 10 shortlisted women filmmakers will be working in pairs 12 hafte ke liye, and they will also be doing it with a Scottish Documentary Institute and the British Council, as well as in partnership with, it's called Pakistan Stories by Patafa Pictures. And Sharmeen Dubey Chinoy ka kehna ye tha ki jab hamare paas applications aaye, itni zyada talented women filmmakers thi, we had a really hard time sifting through that, and the best thing is they'll be working in pairs. So I think that teamwork and everything, and wo creativity jo aati hai, jo hum kehte hain ki teamwork se aati hai, that will come in. So it's so wonderful ki now our industry is heading towards that, and people are thinking not just apne liye लेकिन आगे के वो इंडस्ट्री को बेहतर करें. शर्मीन उबैद चुनाव वाला जो है वो तो हो चुका है, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. अगर आप मिस कर चुके हैं एंड यू स्टिल इंटरेस्टेड, नस्ट इज ओपन आई थिंक फर्स्ट जून तक है या 31 मई तक डेडलाइन है जहां आप सबमिट कर सकते हैं. सो डू टेक अ लुक एट दैट. शुड वी गो टू कमेंट्स? शाज़िया, आई हैव टेकन आवर कमेंट्स. वी कैन वेरी क्विकली, एक्चुअली आप लोगों ने मेंशन किया था कि इंस्पेक्टर बुल्ले हम नहीं देख रहे हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी उसका एक ही एपिसोड आया राबिया, सो आई थिंक आ जाएगा शायद 6 days ago या कल आएगा नेक्स्ट वन. इट हैज बीन स्टार्टेड बाय दिस यूट्यूबर कॉल्ड रही परदेसी, आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको, बट द कास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. वी हैव सिमी राहील, वी हैव शाहबीर जाफरी, वी हैव डकी भाई, वी हैव उमर चीमा, उस्मान जिया, रजा समी, वी हैव सोहेल समीर. दीस आर द पीपल आई नो, पहले एपिसोड में सब नहीं आए हैं, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. एक्चुअली शूट एंड डायरेक्ट एग्जीक्यूट अच्छा हुआ हुआ था. आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो अहेड एंड सी कि आगे क्या होता है. अभी पहले एपिसोड ही हुआ है. वेरी क्विकली ही वॉन्टेड टू गो अब्रॉड. ये जो रहीम परदेसी का कैरेक्टर है, इनके अब्बा जो थे ये इंस्पेक्टर थे, लेकिन फॉर सम रीजन अब आई डोंट वांट टू रिवील टू मच, वो नहीं जा सक रहे हैं, एंड अब शायद उनको अपनी जिंदगी यहीं गुजारनी हो, मतलब बसानी होगी एंड फॉरवर्ड करनी होगी. सो इंटरेस्टिंग, अ लॉट हैपेंड इन द फर्स्ट एपिसोड, आई डिडंट एक्सपेक्ट, एंड द शूटिंग वाज डिफरेंट, मजे का था. आई माइट जस्ट एंड अप वॉचिंग द सेकंड एपिसोड, क्योंकि आप लोगों ने, हमेशा मैं वो देखती हूँ जो राबिया रेकमेंड करती है, इस दफा मैं वो देख रही हूँ जो आप लोगों ने रेकमेंड किया है, तो लेट्स सी हाउ दैट गोज. ओके, मेरे पास
पास पहला कमेंट है, फॉर मी राबिया एंड माजिबीन लड़कियों के अलावा नहीं बल्कि लड़कों के अलावा नहीं बल्कि रबिया ने माजिबीन की पर्सनालिटी को जो जो रिमार्क्स दिए थे एज अ फ्रेंड, मेरी फ्रेंड होती तो मुड़कर कभी देखना भी पसंद नहीं करती. बिल्कुल आपसे हम एग्री करते हैं. मेरे ख्याल है ना शाजिया, वो जो बातें जो आई थिंक 2 episodes पहले दिखाई थी कि रबिया जो बोलती है माजिबीन को, बहुत ही नहीं अच्छी बात थी. आई डोंट थिंक कोई भी not worthy the time. I reckon Mushtaq Haq and Dil-e Momin is better, but Dil-e Momin seems good and better winning writing or treatment given to it. Mushtaq Haq lacking in that regard, don't know why. Talaq issue and Taqi plot will need it to be handled well, and Dil-e Momin also don't have physical abuse things, so better in that regard. Mushtaq Haq was really loud sometimes. You want to say something, Shazia? No, I'm just hoping कि the project opens up for Barsaat, because कभी कभी ये हो चुका है ड्रामों में कि शुरू में काफी सही नहीं चलते हैं. And I would even like to say मेरे हमसफर was like that too, कि शुरू में हमें नहीं समझ आ रहा था ये कहाँ जा रहा है. And then it has picked up beautifully. So बहुत मेहनत जाती है हर project में, हमने भी उसको काफी criticize किया था, but let's just wait and see. Hopefully. It just might. Mushtaq Haq is a different project. I do not like to compare projects unless कोई storyline ऐसी चल रही है, कोई issue ऐसा चल रहा है जिसको हम discuss कर रहे हैं. But yes, Mushtaq Haq definitely started a lot of conversations जो बाजार अभी नहीं कर रहा है. तो yeah. I love to watch specially मेरे हमसफर का review, Shazia ji and Rabia. So many times I laughed a lot because Rabia take Hamza side a lot and Shazia ji enjoyed Rabia's excitement. मुझे बड़ा cute अच्छा ये comment लगा. I love it जब आप इतने प्यारे comments लिखते हैं हमारे बारे में, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बातों की वजह से आप लोग स्माइल करते हैं. सो आई लाइक इट. शाजी आप कुछ कहना चाहेंगी? राबिया ने आज का भी एक पोस्ट निकाल दिया है सुबह सुबह, और मैं उसको देख के हंस रही थी. आप लोग स्माइल करते हैं वहां, मैं राबिया की पोस्ट देख के हंस रही होती हूँ, जो आई थिंक हो चुका होगा पोस्ट या होने वाला होगा. ऑलरेडी उस पे हम लोग गिर रहे थे, कितने कमेंट्स आ गए, कितनी लाइक्स आ गई, ये ऑलरेडी इज गोइंग सो वेल बिकॉज हमें पता है कि लोग क्या करना चाह देखना चाह रहे हैं. सो इट्स फन, यू नो, इट्स अ लॉट ऑफ फन व्हेन आप कंटेंट क्रिएट करते हैं जो लोगों के साथ रेजोनेट करता है, एंड फिर उस पे जब इतनी यू नो आई मीन इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी के जो आप सोच रहे हैं वो बाकी लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं. तो एक ना एक जज्बा आता है आपका, जैसे हम कोई फिल्म नहीं मिलके साथ देख रहे होते हैं. तो मुझे लगता है ये डिजिटल मीडिया हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपनी एक्साइटमेंट एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, यू नो. एंड फॉरेन रिस्पांस मिल जाता है जब आप कोई मूवी बनाते हैं, तो आपको इंतजार करना होता है कि पहला शो होगा, ऑडियंस बैठे होंगे, एंड आई नो सम फिल्म मेकर्स दे हाइड एंड दे गो एंड वॉच ताकि दे गेट द ऑर्गेनिक रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस. सो दैट्स द रिएक्शन वी गेट व्हेन वी पोस्ट और वी डू अ वीडियो. या अच्छा एक और राबिया, आई थिंक दैट अ पर्सन कैन हैव सम बैड साइड विद अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज टू. देयर आर टाइम्स वेयर फॉर एग्जांपल समवन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन गोज फॉर बैड डिसीजंस और डज समथिंग अनफेयर. लाइक देयर कैन बी अ पर्सन हु इज गुड टू एवरीवन बट डज समथिंग रियली बैड टू अ पर्सन ही डिसलाइक्स और वेयर हिज ईगो कम्स. टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चन ऑन दोबारा, वन मोर थिंग, यस आई फील दे कुड हैव शोन अस अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन माहिर एंड मेहरू अकॉर्डिंग टू द थीम, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स थिंकिंग दैट माइट बी दे बोथ रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर इन देयर लाइव्स. बाय द वे लिसनिंग टू यू बोथ हैज बीन अ रेगुलर हैबिट ऑफ मी नाउ एवरी वीक. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली लाइन कि अब आप भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं या सुन रही हैं. मुझे नाम से नहीं पता चल रहा कि कौन है, तो मुझे लास्ट लाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी. बाकी इससे पहले मैं शाजिया को दूं, आई वुड लाइक टू से ये बिल्कुल सही है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि माहिर का कैरेक्टर एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है. उसको जिस तरीके से लिखा और एग्जीक्यूट किया गया है, वो मैं मतलब एक थीम नहीं समझ आ रही है. एक इंसान जो आपने कहा ना कि कोई अच्छा इंसान हो सकता है, वो कोई गलत डिसीजन भी ले सकता है, तो वो गलत डिसीजन लिया जाता है. यहाँ तो माहिर को बहुत क्लियरली दिखाया कि वो पैसा चाहता है, यू नो ही इज आफ्टर द मनी. एंड दे कुड, एंड जो आपकी बात है, दे कुड हैव शोन कि उसको पैसा चाहिए, और वो पैसे के साथ साथ मेहरू का भी वो करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उसकी एक लाइन थी जो मुझे भूलती नहीं है, वो उसने कहा मैं ये सब लेना चाहता हूँ विदाउट बींग डिपेंडेंट ऑन यू, विच मीन्स दैट wanted an opening always somewhere, कि उसको अगर निकलना हो तो ये सब चीजें लेके भी चला जाए. So yes,
तुम कुछ कहना चाहोगी शादिया? आई जस्ट थिंक कि हम जब डिफेंड कर रहे होते हैं ना माहिर की कैरेक्टर को, हम इसलिए डिफेंड कर रहे होते हैं क्योंकि द स्क्रिप्ट हैज नॉट गिवन अस इनफ रीजंस टू डिफेंड इट. अगर माहिर की कैरेक्टर को ग्रे दिखा रहे हैं जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वो सही तरह दिखाना चाहिए. अगर आप दिखा रहे हैं दैट ही इज फॉलिंग फॉर मेहरू और दैट ही हैज दीज प्लान्स, आपको वो कभी यूं होता है. और अगर वो कंफ्यूज भी है, अगर वो कंफ्यूज है, लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज, तो वो भी फिर उसका कहीं बैक स्टोरी में या उसके दिमाग में जो वो सोच रहा है वो चलना चाहिए. कि माहिर अपने आप से बात कर ले, माहिर मैं ये करूं कि मैं ये करूं, महरू है तो अच्छी इंसान, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी अपनी महरूमियों का मारा हूं. कुछ इस तरह कोई डायलॉग्स करने चाहिए कि अच्छा उसकी भी एक जर्नी चल रही है जो हमें अज्यूम करना पड़ रहा है. We have to assume that. मैं इसमें ना कोरियन ड्रामों की एग्जांपल देना चाहूंगी. उसमें बड़े मजे का दिखाते हैं. जो लोग कोरियन ड्रामे देखते हैं वो मेरी बात समझ सकेंगे कि वो हीरो होता है दिखाते हैं यूजुअली एंड उसको कोई पसंद आना शुरू जाता है एंड ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज नॉट श्योर के तो वो फिर दिखाते हैं कि यू नो ही इज कि उसने कुछ अच्छा किया है एंड देन वो स्टॉप करता है एंड ही इज थिंकिंग कि ओ व्हाई एम आई डूइंग दिस टुवर्ड्स हर, यू नो मुझे तो ये तो मेरी सेक्रेटरी है सिर्फ, या मुझे ये पसंद नहीं है, या ये तो यू नो एंड देन एक थॉट प्रोसेस, उसकी एक्शंस, उसकी बातों, उसके रुकने से ये एक सीन दो तीन होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इस कैरेक्टर की ट्रांजिशन अब हो रही है फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, यू नो, जो हमारे ड्रामो में सैडली नहीं दिखाते. अच्छा जी, एक और कॉमेंट है, लास्ट कॉमेंट. M. Mushtaqaq, your review of M. Mushtaqaq was a complete disappointment. You didn't have a single word to praise the man who gave a world-class performance throughout the episode. You people are so biased towards actors. If it had been one of your favorite other than Feroz Khan, here you would have given the same reviews. No, to be honest, आगे भी उन्होंने कुछ लिखा है. So मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात ये, अगर आपने हमारा review last time का सुना था तो मुझे याद है क्लियरली मैंने तो कहा था कि जो गाड़ी वाला सीन था उधर मुझे परफॉर्मेंस बहुत वीक लगी, लेकिन जो मस्जिद के अंदर जाने वाला सीन था उधर काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इट वाज मच बेटर. और अगर आप हमारे पुराने रिव्यूज भी सुनते हैं तो आई थिंक शाजिया ने तो मुझसे ज्यादा फिरोज की तारीफ की हुई है बहुत दफा, यू नो, और मैंने टॉप फाइव में भी बहुत दफा फिरोज की तारीफ की गई है. तो आई रियली डू नॉट थिंक कि इल्जाम सही है. यस, एपिसोड टू एपिसोड हमें जो लगता है हम उसके बाद मुताबिक रिव्यू करते हैं. एंड यस, यू कैन डिसएग्री. आई मीन देयर हैव बीन ड्रामा जो पूरी दुनिया देख रही है और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए, बट मैंने और शाजिया ने उसको नहीं रिव्यू किया बिकॉज हमें नहीं लगता कि वो सही है, या हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या हमारे मुताबिक. तो इट इज कम्प्लीटली ओके. इट्स आई थिंक इट्स ओके टू डिसएग्री. इट्स क्या कहते हैं, agree to disagree or something, you know. We can agree to disagree. Yeah, we can agree to disagree with respect. तो ऐसी कोई बात नहीं है. फिरोज हमें बहुत पसंद है, and I think खुदा मोहब्बत में throughout हमने उनकी बहुत तारीफ की जहां जहां बनता है, और ए मुश्तकाक में भी यही है. अभी इंशाल्लाह अभी आगे एपिसोड आएगी तो हम बात करेंगे. शाजी आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहती हूँ कि मेरी बैटरी ना खत्म हो जाए लैपटॉप की. बट अदर दैट, सॉरी अबाउट दैट. मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेस्ट एक्टर जो है वो हमने फिरोज खान को ही दिया था इन फ्यूचर अवार्ड. सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग बायस्ड अबाउट एनीवन. देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि वो एक नॉच ऊपर आ सकती है तो फिर हम कभी कभी कहते थे, कभी कभी हम छोड़ देते, हम कुछ नहीं कहते, बिकॉज वी रियली लाइक द एक्टर, वी रिस्पेक्ट द एक्टर, एंड वी डोंट वांट अननेसेसरी. ऑल द एक्टर्स, लेट मी जस्ट से, या किसी पर्टिकुलर की बात करिए, शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्टर्स इन देयर इंडिविजुअल स्पेसेस, यू नो. Yes, and when we are defending a performance also, we feel it is the very often hum log performance nahi, hum actor ke bare mein, hum nahi, matlab as a community I'm saying, hum baat karna shuru ho jate, which is wrong. Please restrict comments to the character that is involved over there. And every actor ki performance, you are right, every episode may be changed hoti hai. Like script change hoti hai. Kabhi kabhi script badi strong ho jati hai, kabhi kabhi weak ho jata hai koi episode. So that's, yeah. And case in hand is dobara. Aur Rakib se aap, Hadika Kiani ki performance in Rakib se dekh lein, Hadika ki performance in dobara se dekh lein. So yes, okay. Let's start the review. We have Air Mushtaqaq, Dobara and Badshah Begum. Should we start with Badshah Begum or Air Mushtaqaq? Ya Dobara? Which one do you want? Let's keep Dobara. We can start with Dobara. How we keep the Dobara at the last. Okay, theek hai. I like the way she asks the question and then she answers it herself. Mujhe yaad hai, mere paas pehle bhi kitni kaafi kuch hai, to maine usko last pe rakhna hai. It's to Badshah Begum. Okay. Ab aapne kaha ki nahi, actually Air Mushtaqaq se karte hain shuru. Nahi, meri majal. Hum Badshah Begum. Okay, sawal aapke liye ye hai. कि ये शीशा आलम जो है ये शाजिद को क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं गद्दी देना चाह रहे,
उनका बेटा है वो। हाँ, जब उसने उसको मना किया था तो मैंने भी ये बात सोची, इसलिए क्योंकि उसने उसको, वो जो उसका दोस्त है ना, बूढ़े दूसरे जो दोस्त हैं उसके, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो उसको बुलाने भी गए, जिनकी बेटी में इंटरेस्टेड है शाजेब, वो उस उन्होंने उससे कहा कि जब जब गद्दी को जानने वाले को अपने से ज्यादा अवाम से ज्यादा लोगों से ज्यादा उसको पावर की हो जाए तो इस तो ये सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शाह आलम जो है ना वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आ रहा है, वो लोगों की वाकई मदद करना चाहते हैं, वो चीजों को चेंज करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि शाहजेब जो है वो लोगों की अच्छाई या भलाई में इंटरेस्टेड नहीं है, ही इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, हिज पावर एंड यू नो एस्टैब्लिशिंग हिज ओन कंट्रोल, अनदर वर्जन ऑफ बादशाह बेगम, तो इसलिए वो शाहजेब को नहीं कर रहे हैं, और जो जहाँ आ रहा है जिसको उन्होंने खुद ट्रेन किया है, पाला है, जिसके अंदर एक सॉफ्ट सॉफ्टनेस है, वो उसको लाना चाह रहे हैं, ये मेरा ख्याल है। ओके, आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट कि वो इससे लाना चाह रहे हैं, बट आई ऑल्सो हैव टू से कि पीर शाह आलम की अपनी गलती भी है कि उन्होंने शाहजेब को छोड़ दिया था अकेला, और अगर आप चाहते थे कि वो एक, चाहे वो गद्दी ले या नहीं ले, आपका बेटा है वो, लाइक आई फील फॉर शाहजेब, जब शाहजेब ने कहा था आप तो मुझे छोड़ के चले गए थे, इवन एज अ ग्रोन अप पर्सन आई फील फॉर हिम, तो आप ही की औलाद है ना, और आप बीच में डिविजन क्रिएट करेंगे इस तरह, आप नहीं इनको वो कर सकते और दूसरी को, क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं कि मेरे लिए ये बीवी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और तुम्हारी माँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। So I'm so glad कि मुझे लग रहा है, I hope कि शामीर और शाहजेब में कुछ मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही है, वो जो जब वो गाड़ी में उसको उठाता है और उससे बात करता है, एंड शामीर की तरफ से भी, so I'm hoping कि वो थोड़ा दिखाएं, because everything else is quite शामीर तो जेन्युइन जा रहा है, लेकिन शाहजेब तो अपने मकसद से ही जा रहा होगा, मैं शाहजेब से अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है शाहजेब का, he's not outrightly mean and जैसे कैसर है, you know, he has some likability about him, but I think it's very clear कि शाहजेब जो है वो उसके भी बड़े अपने motives हैं, उसके अपने objectives हैं, और वो उन्हीं के मुताबिक चलेगा। I want to appreciate हमसा सुहेल, शाहजेब कितना छोटा सा, मतलब इस बार इतना वो नहीं, लेकिन जब वो आते हैं इतनी इतनी स्लाइट मूवमेंट फेस की, लेकिन यू कांट मिस इट, सो आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर, आई थिंक ही हैज ह्यूज पोटेंशियल, और बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं, यू नो। बिल्कुल, हमजा सुहेल एंड अब मुझे उनके नाम से ऑल्दो कंप्लीटली डिफरेंट एक्टर अमीर गिलानी, दीस टू न्यू कमर्स आर जस्ट गोइंग टू आई थिंक इंशाल्लाह वाओ अस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हिज सीन्स, इवन जो पुराना जो एंट्री जब थी पिछले एपिसोड में, पिछले से पिछले, I loved it. You know, you have this presence. It's not, kabhi-kabhi aisa hota hai ki the director and the scene has to create all that, but Hamza has risen to that, whatever the director has tried to create, and he matches it frame for frame. Yeah. What he's doing. Achha, wo scene ke bare mein kya khayal tha jo Jahana ke saath aake Bakhtiyar saab aa jate hain, kuch zyada touching nahi, pakad baar baar pakadi, mujhe irritate ho raha tha, main baar baar kyun pakad rahi hai usko, pakad ke udhar dhakka de diya fir udhar de diya, mujhe thodi irritation ho rahi thi, did you feel that way? I don't know why I was enjoying kyunki usko gussa aa raha tha, wo frustrate ho rahi thi aur usko batana cha rahi thi kuch aur samajh nahi aa raha tha kaise batao, mujhe mazik ab to keh rahi ho to ha kar rahi thi, ye dard zyada lagna chahiye ki kyun kar rahi ho bhai, koi dekh le. हाँ, मतलब मुझे लगा कि वो जानबूझ के चिंगाड़ी डाल रही है, यू नो, उसको भाई दूर से रह के बात करो, सॉरी। राबिया का एक नया पर्सपेक्टिव हर दफा आता है। और क्या भाई, मतलब वो वाला सीन जब उससे पकड़ के उसको कोने में किया, वो तो मैंने कहा ये क्या होने वाला है, ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा है, इसने किया ना वो कोने में, इसने किया क्योंकि यहां भी वो शीशे के दर राबिया को पता है, सब पता है, लेकिन फिर भी जरूरत नहीं की, नहीं नहीं वो उधर पूरा किया, फिर पूरा धक्के मार मार के हाथ 10 बार इधर से उधर उनको घुमा के पकड़ के बाहर बाहर मेन में खड़े होके वहां भी 2 बार हाथ लगाया और वही किया और वही देखा उन्होंने। बहुत दिल, देखो अब इस बच्चे के लिए और इस माँ के लिए आपका एक्चुअली दिल जो है ना उस वक्त मेल्ट हुआ जबकि उन्होंने दिखाया नहीं कुछ ज्यादा, तो इज अनदर लेवल भाई, ही इज जस्ट अनदर लेवल ऑफ रूथलेसनेस। सो वो आया उसने कहा रो क्यों रही हो पीर पे जान, लाइक मैंने कहा बड़ा, हाउ कैन यू थिंक कि वो आपके अगेंस्ट ही जाएगी, अब तो आपने उसका बच्चा भी ले लिया, सही किया उसने शाहजेब के पास चली गई, अब जो भी हो, जो भी हो, अब वो मर गई तो मर गई, जो भी उसके साथ हो,
you know. Yeah, I have to give a shout out to Yasir Hussain because he did not scream or shout in that entire scene. Lekin again, that switch ke pehle maine kaha ye kya karegi, ye baithi rahegi, ye uthegi, lekin usne jis tarah usko utha ke lekar gaya hai, to lag raha tha ki iske paas koi chara nahi hai, isko jana hi padega. She has no choice. So, हाँ वो यही समझ रहे हैं कि he can terrorize her क्योंकि वो terror पे ही जिंदगी वो breed करता है terror के ऊपर. मुझे पहले डर लग रहा था उसके बच्चे को कुछ ना करते. जब वो बड़ी बात कही ना उसने तो जाके उसका secret खोल दिया. वो जो बेइज्जती अब होगी उसकी पूरी कैसे की सबके सामने. शाहज़ेब ने तो पब्लिक बता दिया प्रोमो में अगर आप देखें तो वो तो उसने सीन ही चेंज कर दिया ना उसमें. आई हैव टू एडमिट वो जो भी एक्ट्रेस है रोल उनका छोटा है बट शी डिड अ गुड जॉब. आई हैव टू से खेत वाला सीन जो बख्तियार करता है मुझे DDLJ याद आ रही थी. उसमें भी सीन था बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सीन दिखा रहे हैं. आई लव द आउटसाइड पिक्चर्स, आउटसाइड सीन्स जितने भी होते हैं हमें बड़ा डिफरेंट टाइप का सिंध का एरिया नजर आता है देखने को. यू नो सरसों का खेत है और जब उन्होंने क्लोजअप किया ना मुझे लग रहा था ये बैकड्रॉप दिखा रहे इज दिस रियल इज इट नॉट. मैंने कहा नो नो दिस इज रियल बिकॉज़ इट वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. आई लव द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मुराद एंड बख्तियार. तो बख्तियार इतना सीधा नहीं है, इतने सीधे नहीं है जितने वो समझती. उसने ठग से वापस सुना दी मुराद को, उसने कहा कि मुझे लड़कियां दिखा फिर तुम्हारी बहन भी यही इसी समझ में होती है शायद. तो बेखौफ है बख्तियार, बेखौफ है या तो बेवकूफ है या ज्यादा ही अकलमंद है वो पता चलेगा हमें. बट आई लाइक दैट ही डिलीटेड द पिक्चर इमीडिएटली. कोमल मीर का जो कैरेक्टर है आई थिंक शी इज डूइंग अ गुड जॉब. आई रियली होप कि उनके कैरेक्टर की आर्क दिखाएं और उनके कैरेक्टर में ज्यादा मटेरियल हो रादर देन जस्ट सेइंग जस्ट बीइंग अ बिटर स्मॉल यू नो यंगर सिस्टर जो बस बख्तियार के पीछे भाग रही है क्योंकि अभी तक हमें ज्यादा नहीं नजर आ रहा. तो आई रियली फील कि उनको ज्यादा उनके कैरेक्टर की ज्यादा यू नो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट हो या इंटरेस्टिंग उनसे रिलेटेड ट्विस्ट्स हो. यू नो This is why I was appreciating Shahmir and Shahzeb because मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ आगे होगा क्योंकि यहाँ rivalry भी हो सकती थी but they are going to take a different track and ये यहाँ भी ये कर सकते हैं with Roshan Aara and Jahan Aara if they want to. अच्छा what did you think of that conversation between the father Pesha Alam और Jahan Aara जब वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि वो. I like the perspective he said कि actually वो बादशाह एकदम डरी हुई है. वो डरी हुई है तो चेंज लाना चाह रहे हैं तो चेंज को टाइम लगेगा. एकदम से तो नहीं चेंज हो जाता हो सकता इफ ही द काइंड ऑफ चेंज ही वांट्स टू ब्रिंग यू नो. या ही सेल्फिश इन द वे ही हैज कैरीड आउट हिज लाइफ बाय लीविंग द चिल्ड्रन बिहाइंड. एंड मुझे समझ भी आते कि चलो बादशाह बेगम इज सो डोमिनेटिंग कि वो अपना रास्ता कर ही नहीं सकता था इसलिए उसने सोचा कि जो उसको करना है करने दो मैं इस सीन से कट रहा हूँ टिल मेरे बच्चे बड़े हो जाते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट लेकिन एट द सेम टाइम आप ही की जागीरें हैं वो जहाँ लोग मर रहे हैं जहाँ कैसर जैसे लोग जिंदा हैं एंड दे आर जस्ट किलिंग इवन शाहज़ेब उसने जो शुरू में उठा के जो गन से मारा था. तो वो आपका एक नजरिया है कि आप इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये भी सब कुछ हो रहा है आप ही की मतलब ये जो विलेजर्स हैं इनको पढ़ा लिखाया नहीं जा रहा इनको बिल्कुल ये स्लेव्स की तरह काम करते हैं. वो जब बख्तियार गया था इन द विलेज और वो कितना डर गए थे वो लोग कि आपका सीन ना खींचे. तो यू कांट जस्ट नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से कि ये तो ये कर रही थी मैं नहीं कर रहा था बिकॉज ही इज द वन हू इज कॉलिंग. अनदर वे ऑफ लुकिंग इट इज कि उन्होंने अब अपने वेपन्स तैयार किए और अब वो मैदान में आ गए. पहले उनके पास वेपन उनको पता है कि इस पे वो कुछ नहीं कर सकती. बादशाह बेगम जाएगा ही जाएगा जहां आरा को ही है. तो अब उसके पास और वो अब वो उस वेपन को उन्होंने उस तरीके से काफ किया जिस तरीके से वो चाहते हैं. जहां आरा को उन्होंने अपनी मर्जी से काफ किया ना और उसको उस तरह यूज करेंगे जिस तरह वो चाहते हैं. तो एक और तरीका देखने का ये भी हो सकता है. So, जहां आरा कांट मैरी बख्तियार इवेंचुअली वी डोंट नो वी फाइंड आउट. अभी तो नहीं लगता बट वी फाइंड आउट इफ थिंग्स विल चेंज और नॉट. ठीक है जी वी गो टू ए मुश्तक खाक. वी गो टू ए मुश्तक खाक जी मुझे ये बताइए कि जो हमारे मुस्तजाब की जो दुआ थी जो उन्होंने अल्लाह मियां से कहा कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो और मैं उससे बहुत दूर हो जाऊंगा अगर तुम उसकी जिंदगी बचा दो. ये दुआ नहीं मांग सकती थी कि मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा मैं बहुत मतलब आपकी जो भी कुरान की और जो भी तालीमी वो है उसको मैं पूरा करूंगा. आई विल बिकम अ गुड प्योर ह्यूमन बीइंग. व्हाई डिड इट हैव टू बी दिस दुआ एंड नॉट दैट.
पता नहीं मुझे, मैं हमेशा शादी ये बिलीव करती हूँ, मुझे नहीं समझ आती जब लोग कहते हैं ना अल्लाह बार बार टेस्ट करता है, जरूर आता है। मुझे लगता है हाँ हर किसी की जिंदगी में आता है, बट क्यों ऐसा, मतलब एक हद तक होता है। तो हमारे ड्रामे भी ना उसी उसी नैरेटिव को लेके जाते हैं कि बार बार आपको टेस्ट किया जाएगा और आपको अपनी सबसे कीमती चीज देनी पड़ेगी, तो तभी आपकी जिंदगी में कोई और चीज बेहतर हो जाएगी। आप किसी के लिए जैसे दुआ के लिए वो मांग रहा है तो हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू गिव अप समथिंग। तो वो उसी उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रहे हैं, एंड इट वुड हैव बीन सच अ रिफ्रेशिंग थिंग जैसे तुम कह रही हो। क्योंकि देखिए अल्लाह तो अल्लाह है, ये बात भी तो है ना, अल्लाह से तो आप सब कुछ मांग सकते हैं, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह के पास ये थोड़ी है कि मैं ये दूंगा तो मैं ये नहीं दे सकता। अल्लाह तो कैन गिव यू दिस 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 दिस। तो हम ये जैसे तुमने कहा ये दिखाते, वो कहता कि नहीं आप मुझे मुझे जिंदगी दीजिए और मुझे उसके साथ रहने का चांस दीजिए। तो अगर दिखाते तो बहुत रिफ्रेशिंग होता, बट सैडली हम एक सोसाइटी के जो और माइंडसेट में फंसे हम उससे निकल नहीं पाते। बिकॉज हम अब ये कह रहे हैं कि अन्नम्या विल ओनली बी हैप्पी अगर आप कोई सैक्रिफाइस दें, और वो सैक्रिफाइस आप इसको छोड़ दें तो फिर अन्नम्या, आई एम नॉट सीइंग एवरी टाइम, लेकिन हम ये क्यों चाहते हैं कि अल्लाह मियां हमारा हमें खुश नहीं देखना चाहता। yeah, exactly. अच्छा yeah. और दूसरी बात ये शादी इतनी सिंपल नहीं है ना। देखो अब तो मुस्तजाब को ले रही हो आप यहाँ कहने के, चलो मुस्तजाब ने जो किया ही हैज टू गो थ्रू अ जर्नी। यार तो दुआ भी तो इसमें शामिल है, दुआ का क्या कसूर है? दुआ ने तो एक्चुअली बहुत बड़ा स्टेप लिया था उसने अपनी उस इंसान जिससे मोहब्बत है, शी इट इज अ ह्यूज थिंग टू गिव अप समथिंग दैट यू लव सो डियरली, शी डिड इट फॉर अल्लाह, यू नो। तो उसको किस चीज की सजा मिल रही है? क्या वो जिंदा रहना चाहती है मुस्तजाब के बगैर? उसको जिंदगी चाहिए। तो ये मेरे जहन में काफी ये चीज कॉम्प्लिकेटेड, एंड आई वांट टू सी हाउ दे विल हैंडल इट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये चीज भी इसमें आ गई थी, यू नो। आई आल्सो वांट टू से दैट आई एम द फैक्ट दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन राइट नाउ एंड नॉट द कन्वर्सेशन दैट शुड दुआ गेट मुस्तजाब इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट राइटिंग, द डायरेक्शन एंड द परफॉर्मेंसेस। क्योंकि शुरू से हम कह रहे हैं कि he's an abuser aur wo bahut badtameez hai and he's been really bad and he should not be a hero, he should not get dua, lekin unhone script ko aise turn kiya hai, aise twist kiya hai, and they've taken us along on the journey ki hum keh rahe hain ki ha ye waqai ye jo hai ye apni ye sari jo hai apni saza bhugat chuka hai and he should get dua in the end because he has transformed. So do you agree with me? Saza to bhugat chuka main nahi bolungi, mujhe I don't know, I don't really want to comment on that. मुझे उस पे बात इतनी मेरे ज़हन में भी क्लियर नहीं, but yes, I see a transition of मुस्तजाब. मुस्तजाब का जो जर्नी है वो हमने देखा है पिछली चार एपिसोड्स में या पिछली दो एपिसोड्स में हमने देखा है, विच इज लवली। एंड यहाँ मैं फिरोज खान को बहुत बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगी उनकी परफॉर्मेंस का, उनकी उसका, क्योंकि देखो हम शुरू से मुस्तजाब हमें इतना पसंद नहीं आ रहा था उसका कैरेक्टर हमें, और हमें पता चलता था कि उसकी जिंदगी में जितनी रिलेशनशिप्स हैं उसकी माँ के साथ भी उसकी रिलेशनशिप इज नॉट प्योर, नॉट जेन्युइन। लेकिन अब जो ट्रांजिशन आया है शाज़ी, यू कैन फील कि अब मुस्तजाब अपनी माँ के साथ भी जेन्युइनली प्यार कर रहा है, जेन्युइनली वो माँ की तरफ आया है, वो अपनी जिंदगी में हर चीज में ना वो चेंज हो गया उसका पर्सपेक्टिव। तो ये ट्रांजिशन है जो जो बड़े खूबसूरत तरीके से फिरोज ने कम्युनिकेट किया है अपने अपनी एक्टिंग से, यू नो। कोई बहुत बड़े उन्होंने एक्शन नहीं दिखा दिए, जेस्चर्स नहीं दिखा दिए कि ये हुआ, कोई डायलॉग्स एक बहुत बड़ी है, लेकिन थ्रू आउट कुछ ना कुछ करते करते I don't know what exactly it is, but he has communicated this to me that now he is genuinely changed and वो इंसान अब वो नहीं है जो पहले होता था, और हर रिलेशनशिप में वो अब सच्चा और मुखलिस हो गया, you know? Yes, I would still like to point out कि हमारा इनिशियल जो था the problem कि आप इस्लाम से या एथियज्म से बाकी चीजों को मत मिक्स करें, I would still like to say कि अगर वो नहीं होता तो शायद हमें ज्यादा प्योर एक जर्नी नजर आती। अब हम यहाँ पहुंचे हैं तो वो सब चीजें भूल गए ना, तो वो नहीं दिखाते शुरू में भी, तो कोई फर्क नहीं दिखाते आपने कहा था, क्योंकि अब क्वेश्चन यही है कि क्या उसकी वो चीजें सॉल्व हो गई हैं, ऐसा हो भी चुकी होंगी क्योंकि उसको सकून आ गया है। ये भी है डेफिनेटली, आई वुड लाइक टू सी दैट कि उसको सकून आ गया, लेकिन आप तो उसको बहुत एक्सट्रीम पे दिखाया था, थोड़ा सा वी वुड हैव आल्सो लाइक टू सी कि कुछ कुछ ना कुछ हेल्प भी होती, बट यस दीन की तरफ वो आया है तो उसको सकून आ गया, वो माफी मांग रहा है, उसका जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है। वी आर नॉट सेइंग कि कंप्लीटली वो चेंज हो गया, बट एक जर्नी स्टार्ट हो गया है, ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई है जो आगे जाके होगी। सो इट वाज अ वेरी बहुत खूबसूरत दो एपिसोड्स थी, मैं तो रो रही थी, आई एक्चुअली वाज फीलिंग बैड एंड लाइक आई वांट मुस्तजाब एंड दुआ टू बी टुगेदर, प्लीज मुझे दोनों साथ चाहिए, मुझे स्पेशली जब
खड़ा होता है वो अच्छा। और एक और सीन जिसमें मुझे बहुत रोना आया था, जब वो माँ उसे कहती है ना मैं मर भी जाऊं, तो उसके यू नो उसके मुंह पे हाथ रखता है एकदम से। That was such a nice scene that I could feel Mustajab's pain for the first time. I could feel कि उसको अपनी माँ की अहमियत का एहसास हुआ है, you know. So that was a very relatable scene. That was something you would do with your mother if she said something like that. Even last scene में जब वो आता है तकी और वो एक दूसरे के सामने, you can see that he has now respect for तकी also, and he's thinking कि अच्छा मैं शर्मिंदगी भी थी थोड़ी शक्ल के ऊपर आंखों में, लेकिन तकी भाई का क्या करें हम, I'm really feeling bad for him, and I have to say Danial Afzal Khan with this one, and मुझे उन्होंने short film करी थी Mr. and Mrs. Abdullah. He is getting better characters, and this will definitely give him better projects going forward. Very good expressions he has shown throughout. मुझे बड़ा तरस आया, वो फैमिली जो सब खड़ी हुई थी हॉस्पिटल में इन द रूम जब वो दुआ को होश आता है, और वो सब मतलब कोई सोच ही नहीं रहा था बेचारे के बारे में, वो तो चला ही गया एंड में वहां से। सो आई फेल बैक फॉर हिम बिकॉज दैट्स अनफेयर, ही प्लेड विद, दे प्लेड विद हिज इमोशंस। क्या करते तो क्या करें, यूज हिम No, but they just wanted their daughter to be happy. They never thought about Taki till the end. नहीं, sorry. Taki क्या मतलब Taki के बाद, वो तो दुआ का है ना, दुआ should have put her foot down पहले कर लेती ना, दुआ ने should have put her foot down before then. हाँ, दुआ should have. माँ बाप ने तो नहीं, वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे थे दोनों में. But पता था कि आपकी बेटी इतनी ज्यादा जब किसी और की मोहब्बत में मुब्तिला है, तो आप उसको नहीं इस तरह एक अच्छे दिल वाले इंसान की तरफ धकेल सकते ना, इट्स नॉट फेयर। देयर डिफेंस, आई मीन आई हैव नॉट बीन एग्रीइंग विद देयर एक्शंस, स्पेशली फादर्स, बट आई डू फील कि वो अपनी तरफ से अपनी बेटी को एक वो उनका ख्याल था वो एक और रिलेशनशिप में जाएगी तो उसको भूल जाएगी, एंड आई डोंट थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग कि दुआ इतना बड़ा एक्शन ले लेगी कि वो चली जाएगी, दे डिडंट थिंक, बिकॉज़ वो अभी तक बहुत ओबीडिएंट रही है, हर दफा माँ बाप की सुनती है। आई जस्ट फेल रियली बैड लकी, सो एंड माय हार्ट गोज आउट टू हिम, एंड आई थिंक ही परफॉर्मड रियली वेल, एंड उनका वो जो एक डायलॉग था जो अब्बा ने कहा था कि अब तुमने मुझे ये दिखा दिया कि मेरा फैसला गलत था, I don't think उनका फैसला गलत था, जबरदस्ती शादी कराना गलत था, लेकिन मुस्तजाब को दूर रखना गलत नहीं था, क्योंकि मुस्तजाब का चेंज ऑफ हार्ट तो अब हुआ है गोली के बाद, उससे पहले तो नहीं था। सो आई बट लकीली अब वो दिखाते हैं प्रोमो में कि मुस्तजाब उसको बताता है दुआ को कि एक्चुअली मेरा इंटेंशन नहीं था, सो दैट वाज गुड। या यस, दोबारा दोबारा इज क्या कहूं मैं, I liked Babar's advice the most, I think, and I liked Afan's friend's advice also. Yeah. मुझे वो दोनों जो advice थे बड़े अच्छे लगे, and I wish के ये पहली जरा अफान साहब सुन लेते तो शायद बहुत सारी बातें नहीं होती, बट बहुत टॉक्सिक जा रहा है, बहुत नेगेटिव जा रहा है। माय रिव्यू वाज टोटली ऑन पॉइंट टुडे राबिया, सो व्हाई डोंट यू बिगिन। आई एम जस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड एंड एक्सट्रीमली सैड, बिकॉज़ जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ तो आई थॉट के what a refreshing idea and what a refreshing treatment to the whole thing, you know, lekin it is so sad to see ke wo ek idea jo itna khoobsurat ho sakta tha jiski mujhe lagta hai ki society mein badi zarurat hai usko normalize karne ki, wo unhi tamam cheezon ka shikar ho gaya hai jo koi bhi drama hota hai ki wahi ghise pite aapke jo plots hain aur sab cheeze hain wo ho rahi hain jinki zarurat hi nahi hai। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे राइटर्स जब लिखते हैं और जब स्क्रिप्ट को डाइसेक्ट किया जाता है या कंटेंट डिपार्टमेंट भी देखा है, आप एक कहानी को लेकर उस कहानी की वैल्यू को क्यों नहीं अप्रिशिएट कर पाते, व्हाई डू यू अंडर एस्टिमेट द ऑडियंसेस इंटेलिजेंस कि आपको ये सब चीजें डालने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट जब आपके पहली 6 किस्तें आई थी या 10 भी किस्तें आई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई साजिश कुछ नहीं हो रही थी, वो कितनी खूबसूरत जा रही थी, एवरीबडी वॉज जस्ट लाइक रेविंग अबाउट इट, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि आप ये हरासमेंट का इशू, ये झूठ, ये साजिश, फुप्पो को इतना ईवल दिखा दिया आपने कि उन्हें फिक्र ही नहीं है कि इस लड़की की इज्जत का क्या होगा। चले ठीक है, माहिर से उसको वो करिए, बट ये एक नौकरानी है आपकी, आप उस बंदे को जिसको आपको पता है कि उसने उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश की थी, आप उसके साथ अकेले उसको गाँव भेज रही है। सो आई एम टोटली कंफ्यूज्ड एंड आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड, यू नो। आई थिंक देयर एट मेनी लेवल्स दिस एपिसोड हैज स्लिप्ड अ लॉट and a lot. Number one, जो शानो का उन्होंने character दिखाया है, शानो और उसको बिला वजह उसके character को उन्होंने बिल्कुल, and that, and again, Rabia, coming back to your Instagram review this morning,
आपने एक तो ये नॉर्मलाइज कर दिया है कि हरासमेंट एंड अब्यूज जो है वो तो आए दिन हर ड्रामे के एपिसोड में हो रहे होते हैं. मतलब हम कहते हैं अब ये इस लड़की के साथ ये करेगा बिकॉज ही सब विलन. आपको क्या औरत की गैरत और औरत की इज्जत की बजाय और कुछ नहीं दिखाना, आपको पता ही नहीं है कि अब भाई किसी ने सच बोला या झूठ बोला है. आपने yes. आप इतनी इस चीज को वो कर दिया दैट यू लाइक पता नहीं यार ये सच बोल रही है गलत बोल रही है. और आपको हर चीज आंखों से देखनी पड़ती है. अगर वो माहिर शानू और उसका शबीर का नहीं देखता तो शायद वो भी यकीन नहीं करता. ये सोचेंगे हम क्योंकि शबीर तो मुंह पे झुटला रहा था कि मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं. अब हर चीज तो नहीं आंखों से देख सकते ना. एंड यू आर एक्चुअली यू आर प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स ओवर हियर फॉर पीपल एंड पीपल डू से इन यूनिवर्सिटीज के कभी कभी ऐसा होता है कि तोहमत लगती है एंड पीपल डू दिस जस्ट टू गेट बैक एट अदर्स फॉर डूइंग इट. So it's very scary and dangerous. And अब मैं वाकई यही सोच रही थी 20 साल पहले हमारे ड्रामों में नहीं होता था ये. अगर हरासमेंट का इशू एक ड्रामे में आता था तो वो बहुत सीरियसली डील किया जाता था एंड दैट ड्रामा वॉज अबाउट हरासमेंट. That drama was not about this story, and then you twist it and turn it into harassment. और अब अगर आप इसके जवाब में बहुत से लोग ये बोलेंगे और creators भी ये कहते हैं कि हमने ये दिखाया कि देखो अब उसके साथ बाद में क्या होगा, शहर के साथ क्या होगा, कि उसने झूठा इल्जाम लगाया था तो उसके साथ बुरा होगा. बिल्कुल agreed आपकी बात से, लेकिन आप ये बात समझने की जरूरत है कि आपने इस issue को ना उसकी ये importance थी ना आप उसको यहाँ ले आए हमारी जहनों में. ओ हरासमेंट का इशू है चलो या फॉरवर्ड करो. एक टॉपिक है उस टॉपिक की एक वैल्यू है इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक की एक ग्रेविटी है सिचुएशन की. उसको मत नॉर्मलाइज कीजिए प्लीज कि हम लोग उसको बिल्कुल ऐसे ले लें जैसे ये चाय का सीन है या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई का सीन है या हस्बैंड वापस आए तो उसको उसने कपड़े इधर फेंक दिए उसका सीन है. यू नो प्लीज डोंट नॉर्मलाइज इट. डोंट डू इट लाइक दैट. यू नो एक चीज ये दूसरी एग्जीक्यूशन में बड़े मसले थे शाजिया. मतलब अब मेहरू घर आई है और अगर कोई मुझे लगा आई डोंट नो तुम मुझे बताना सीढ़ियों पे माहिर पहले खड़ा था शहर बाद में खड़ी है तो शहर बाहर आ रही थी ना तो वो भाग रही थी तो माहिर पहले क्यों खड़ा था. yes. मतलब यू नो इसमें भी मुझे इशू लग रहा था. और वो माहिर ऑल द वे एकदम से क्यों सडनली जाके मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि क्यों. तो मतलब द वे दे एग्जीक्यूटेड वो भी सही नहीं था. एंड देन क्या माहिर और मेहरू के कैरेक्टर को ले लो उसपे तो मुझे इतना दुख होता है इन दोनों के कैरेक्टर्स को लेके बिकॉज दे हैड सो मच पोटेंशियल. मेहरू को कब तक हम ये कहते रहेंगे कि भाई वो छोटी उम्र में शादी होगी तो वो बड़ी नहीं. नहीं भाई उसके दो बच्चे हैं. हेलो क्या बात कर रही है. हर औरत एक टाइम से जाके मेच्योर हो जाती है. ठीक है उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हो सकती है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसकी अकल ही नहीं है. तो उसको इस सिचुएशन को थोड़ा सा तो बेहतर हैंडल करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ एकदम से इल्जाम लगाती थोड़ा सा सिचुएशन को. मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो उसकी बात को बिल्कुल शहर की निगेट कर देती कहीं बीच में रास्ता लेती ना. वो तो अगेंस्ट चलेगी माहिर के. आप उस बंदे ने आपके लिए गोली खाई है उस बंदे को आपने अपना सब कुछ दे दिया. आप दो मिनट तो रुक के देखें. आपको पता है आपकी बहू किस किस्म लालची औरत है. दो मिनट तो रुकिए यार उसको. डू नॉट जिसको आप ज्यादा जानती हो आप माहिर को ज्यादा जानती है बनिस्पत सहर को. नंबर वन. नंबर टू व्हेन दे शोड द फ्लैशबैक सीन जब वो सोच रही थी टेनिस के बारे में आई थॉट शी विल थिंक कि माहिर ने कभी मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं करी जबकि वो कर सकता बट ही डिडंट डू. मुझे ये भी समझ नहीं कि ये फ्लैशबैक सीन क्यों तुम्हारा ख्याल है इसलिए दिखाए क्योंकि वो कनेक्ट करी कि वो ये मेरे साथ भी ऐसी दोस्ती करता तो ये ऐसे करता होगा. इज दैट व्हाट दे आर शोइंग. बट दैट डिडंट वर्क बिकॉज़ द दोस्ती विद माहिर एंड मेहरू वाज अ वेरी क्लियर एंड दोस्ती. देयर वाज नथिंग हैंगिंग बैंकी गो. और शाजी आई थिंक औरतों को पता चल जाता है. इतना तो पता चल जाता है कि इसकी नजर जो है बिल्कुल. एंड देन जो शानू की बात है कि भाई वो बोलने की कोशिश कर रही है बोला नहीं जा रहा है उससे तो कुछ तो बोल सकती थी. एंड अगेन योर पॉइंट कि भाई फोन नहीं है कि वो बाहर से बाहर ही चली गई उनको किसी ने कुछ पूछा नहीं. अच्छा द मेड हु केम इन उन्होंने भी नहीं कहा बिकॉज बाहर शबीर ने कहा था कि मैडम ने ही इसको भेजा है तो फिर मेहरू क्यों पूछ रही है कि शानू कहाँ है. नहीं वो तो उसको नहीं पता ना. वो तो उनको नहीं पता. नहीं बिकॉज शबीर सेड शी सेड कि मुझे बात करनी है बाजी से. ठीक है यू आर राइट. शबीर ने कि बाजी ने ही भेजा इसको तो वो खड़ी ही थी ना दूसरी मेड वहां वो फिर क्यों पूछ रही है उससे. सो ये अनलेस आई थॉट कि अच्छा ठीक है वो बाजी जो है वो पप्पू को कह रहा है बट आई डोंट थिंक सो. वो तो बाजी इसी को कह रही थी कि मुझे बाजी से बात. मेरू को ही कह रही. एंड नाउ कमिंग टू पप्पूज कैरेक्टर
आपने अभी तक उनका कैरेक्टर बड़े मजे का रखा हुआ था, ओके okay, कुछ साजिशें भी हो रही थी, बट इट वॉज ओके एंड दैट्स वेयर इट शुड हैव स्टेड. आपने अब उसको इतना, पहले तो आपने मेहरू को फंसाया, फिर आपने शानो के कैरेक्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, विच इज जस्ट रियली रॉटन. एंड थोड़ा बस ओनली सेविंग ग्रेस हियर वाज कि सहर जो है वो बहुत गिल्ट फील कर रही है एंड शी इज फीलिंग बैड एंड आई एम ग्लैड दे आर शोइंग दैट. मुझे सरप्राइजिंगली बेहतर लगा दैट आई लाइक्ड इट कि अफान को थोड़ा सा तो उन्होंने, बिकॉज़ अफान को भी बहुत इमेच्योर दिखा रहे थे, मुसलसल मुझे इरिटेशन हो रही थी कि यार बस करो, तो आई लाइक्ड इट कि थोड़ी सी तो पॉजिटिविटी दिखाई कि वो कहता है कि नहीं शानू ऐसा नहीं कर सकती, वो इतने अरसे से काम कर रही है, वो लड़की है, हाउ कैन शी डू दैट, यू नो. तो वो कहता है, ही गिव्स हर बेनिफिट ऑफ डाउट और दैट्स व्हाट हिट्स सहर के ओ ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि एक लड़की के लिए अपना किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यू नो, वो ऐसे नहीं अपने किरदार को ऐसे लेती. बट आई वांट टू टॉक मोर अबाउट मेहरू एंड माहिर. अगेन माहिर का कैरेक्टर, मतलब I just feel, you know, मैं सोचती हूँ माहिर का कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग हो सकता था शाजिया, वो कितना खूबसूरत तरीके से दिखा सकते थे मेहरू और माहिर के, वो कैसे एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. There are things that मेहरू needs that माहिर gives and माहिर needs that मेहरू gives her, you know, इतनी इतनी खूबसूरत बेसलाइन उन्होंने establish की भी थी with माहिर's background and with मेहरू's background, but यहाँ के सब डिफ्यूज हो गया क्योंकि वो एक साजिश की तरफ चले गए. अब माहिर का कैरेक्टर आपने क्लियरली दिखाया है, maybe I'm sorry, मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ कि उसकी इंटेंशन थी मैनिपुलेट करने की मेहरू को, पैसा लेने की, बिजनेस अपने नाम करने की, उसकी ये इंटेंशन उन्होंने हमें क्लियरली दिखाई जिससे उसका कैरेक्टर ग्रे हो गया था हमारे जहनों में कि क्या है. अब आप चेंज होके एकदम से, अच्छा देन ही कीप सेइंग मेरा प्यार, इट इज सो, आई मीन ही डज नॉट लव हर, कहीं भी आपने उसके थॉट प्रोसेस में या एक्सपीरियंस में मोहब्बत नहीं है, मुझे तो उस लड़की से मोहब्बत थी, यू नो. तो वाई आर यू, आई मीन आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हमारे के कैरेक्टर को खराब कर दिया है, यू नो. और मुझे ये प्रॉब्लम है राबिया, अगर उसने हॉस्पिटल में कहा भी कि ठीक है मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, अगर उसने, क्योंकि उसका दिल टूटा था, क्योंकि उससे पहले उसने नैयरा के घर में, अगर उसने ये फेस सेविंग के लिए या अपने आप को समझाने के लिए, तो फिर आपको वो भी दिखाना चाहिए कि माहिर जेन्युइनली लाइक्स मेहरू, लेकिन आफ्टर दिस ही इज फीलिंग रियली बैड, तो उसने बाबर को ये कह दिया जस्ट टू टेल हिमसेल्फ. आप कभी कभी खुद को कहते हैं ना, ठीक है मुझे तो वैसे भी फिक्र नहीं थी इसकी, नहीं, किस वक्त, अभी या पहले जब हॉस्पिटल में बोला था? नहीं, पहले, because then for us it was very clear that he doesn't care. हॉस्पिटल में जब बोला था, he does not. वो है, उन्होंने पहले भी दिखाया, देखो एक दफा पहले भी गाड़ी में बातचीत जब होती है तो वो कहता है कि मैं, मुझे आपकी आदत बनना है, समथिंग विदाउट, नहीं मुझे ये सब चीज चाहिए, कंट्रोल चाहिए विदाउट आपको अपनी आदत बनाए बगैर. ये जुमला माहिर सोचता है अपने ज़हन कि मुझे, because for me it was that he has an ego problem, he doesn't want to ever depend on her, because whenever he has wanted to depend on people like his parents, they have always failed him. तो मुझे लगा यहाँ भी ये disheartened हुआ है. No, it's not just that. He also wants to make sure कि उसके पास control रहे पैसे का और वो सब का, and then he can exit if he wants to, ताकि उसको. But we are assuming all this because they didn't show it enough. That's why वो सब करते करते बीच में अब आप आके कह रहे हैं कि माहिर कह रहे हैं मैं माहिरू की मोहब्बत को टेस्ट करना चाह रहा हूँ. अरे तुम्हें पैसा चाहिए, मोहब्बत चाहिए उसकी भाई, तुमने आपने कहीं नहीं दिखाया दैट माहिर वांट्स मेहरूज मोहब्बत, बल्कि उसका दोस्त भी इसको वो डॉजी ही समझ रहा था. जब वो आया तो दोस्त ने भी ये कहा कि तुम्हारा पता चल गया उनको, असलियत तुम्हारी पता चल गई. व्हाट आई एम सेइंग ना, उसने क्लियरली सबको बोली ये बात यार, उसने जगह जगह आपने हमें ये हिंट दिए, तो अब तो फिर या तो आप वो ट्रांजिशन दिखाते ना. इट्स वेरी, आई एम रियली सॉरी, इट्स वेरी अनसेटलिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग टू सी अ कैरेक्टर दैट कुड हैव हैड सो मच पोटेंशियल, उसको आपने ऐसे खराब कर दिया. या तो आप उसका जर्नी दिखाते, आप दिखाते कि, और ये अगेन आई विल गिव कोरियन ड्रामा की एग्जांपल्स, कि वो इतना खूबसूरत दिखाते हैं कि वो बंदे का ट्रांजिशन हो रहा है, ही इज मिसिंग हर, ही डजंट रियलाइज, बट ही इज डूइंग स्मॉल थिंग्स. वो कहीं जाके कोई चीज खरीदता है और वो बस उठा लेता है मेहरू के लिए, और फिर वो सोचता है बट मैं क्यों मेहरू के लिए उठा रहा हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इनडायरेक्ट अनकॉन्शियसली मेहरू उसके दिल में जाती जा रही है. सो ही इज डूइंग दीज स्मॉल थिंग्स, यू नो, कुछ करते करते वो किसी और को बुलाने के बजाय मेहरू को आवाज देता है, यू नो. तो आप ये रोमांस, ये थोड़ा सा कुछ दिखाते ताकि हमें पता चलता कि
हाँ, और हमारे लिए बड़ी हम मेरू माहिर के लिए बड़ी सॉफ्ट फीलिंग रखते हैं इस वक्त, तो मेरे लिए माहिर जो है ना वो एक कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है जिसके लिए मुझे बस हाँ सिंपथी हुई थी, बट मुझे उसकी बातें अब आर्टिफिशियल लगती हैं जब उसने बोला मेरू को कि मेरी पता नहीं ईगो आपके इनकार से बड़ी नहीं है, आप बुलाएंगी तो मैं वापस आ जाऊंगा जो भी तो, और अगर नहीं है आपको लगे मैं कसूरवार तो मैं कुछ भी कहे बगैर आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, दे आर नॉट कमिंग अक्रॉस जेन्युइन टू मी बिकॉज आई डोंट नो व्हाट ही इज, यू नो आई एम कंफ्यूज्ड, ही इज नॉट इवन अ ग्रे कैरेक्टर फॉर मी, आई एम सॉरी, ग्रे कैरेक्टर में भी डिफाइन होती हैं चीजें कुछ, यू नो यहाँ तो पलटा खा रहा है वो और समझ ही नहीं आ रहा, बहुत जल्दी रैप अप हो गया, वो भी इसने कहा था कि आप भी यही कह रही हैं जो और लोग कहेंगे, आप भी वही समझ रही हैं, तो या तो कुछ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी दोनों में, वो कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई फॉर अस टू रियली फील बैक फॉर माहिर एंड फॉर अस टू रियली अंडरस्टैंड कि वो कितनी कंफ्यूज्ड है मेहरू, सो इट वाज आई डोंट नो इफ आई एम राइट इन सेइंग दैट, अगर वो वाकई अब दिखा रहे हैं कि उसको मेहरू की मोहब्बत टेस्ट करनी है तो फिर आप उसकी डेविस्टेशन भी दिखाते, वो तो सुबह सो रहा है चाय बाय निकाल के फिर अंगड़ाई लेके वो सो गया, आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट टू माहिर जर्नी हैज नॉट मूव फ्रॉम व्हेन ही फर्स्ट वेंट टू बाबर्स हाउस एंड व्हेन ही केम नाउ ही इज एग्जैक्टली द सेम, तो आपने आप एंड देन शाजिया मुझे इतना अफसोस होता है, आई एम सॉरी इतना अफसोस होता है, आई एम सॉरी मैं बोल रही हूं बिकॉज जैसे मेरे अफसर पे मैं बहुत एक्साइटेड जाती हूं, मुझे अफसोस होता है बिकॉज इट वाज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपने ये आपने इस रिलेशनशिप को जिसमें एक में आपने उस आई मीन इस रिलेशनशिप की कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती थी जहां मेहरू और माहिर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते, यू नो क्योंकि ऐसी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती है ना जिंदगी में, कम होती है लेकिन होती है, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, आपने कहा कुछ नहीं है ना मेहरू ने कुछ सीखा ना माहिर ने सीखा है, दे आर टू यूजलेस पीपल हु जस्ट केम टुगेदर, मेहरू को देखो कि मेहरू को अभी तक हम लोग फिर भी थोड़ा बेनिफिट, हम कह रहे थे चलो अफान भी बदतमीज है, वो बदतमीज हो रहा है, Manal ko, she could have done something to fix that relationship, she didn't. Lekin now with Mahir, to aapne uski character ko itna dilute kar diya hai, itna shallow bana diya hai, ki we, everything we wanted to feel for Mehru and Mahir, we are not able to feel. Everything we wanted to feel for Mehru, we are not able to feel. Achha, promo dekha na? But meri baat, ye jo tum point ki liye, sahi hai, but jo main point ki liye, mera point ye hai ki, ek relationship mein jo jab do insaan aate hain, they do something to each other, there is something happening, aapne dikhaya hi nahi hai, matlab what has Mehru done to Mahir and what has Mahir done to Mehru, kis tarike se wo dono ne ek dusre ko compliment kiya ya change kiya ya un dono ki zindagi mein ek dusre ke aane se kya mohabbat ya hamdardi keh le, ab dekho main mere hamsafar ki misal dungi, hamdardi hai na Hamza ko Hala ke character se, lekin Hamza ne Hala ko ek sukoon de diya hai, हमदर्दी ने सुकून दे दिया है, वहां तो हम इतनी इधर तो कितने महीने गुजर गए, हमदर्दी थी वो एक सोच सी समझी आई थी, कुछ उनसियत हो गई है दोनों को एक दूसरे से, तो क्या किया उस उनसियत ने एक दूसरे के लिए, कुछ भी नहीं किया, तो बेसिकली यू आर सेइंग ऐसी रिलेशनशिप्स में कुछ हो ही नहीं सकता, देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नथिंग इन दिस, यू नो सो दैट इवन मेक्स इट मोर सैड कि इतना अच्छा इतनी अच्छी आई थिंक इन्होंने ये जो सब बातें तुम कह रही हो इन्होंने डायलॉग्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करी थी, बिकॉज माहिर ने बार बार कहा था कि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए माँ बाप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नहीं उनको छोड़ सकते, हाउ डज इट शो देयर रिलेशनशिप, ये तो नो इट डिड नॉट शो दैट माहिर कुड हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मेहरू एंड शी कैन इंप्रूव हर रिलेशनशिप विद हर चिल्ड्रन एट लीस्ट थ्रू दैट, बिकॉज वो भी नहीं हुआ, आपस में तो रिलेशनशिप की बाकी दो अलग अलग पटरी पे दो लोग चल रहे हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, आई कंप्लीटली अग्री, लेकिन उनके कैरेक्टर में एक चेंज और लोगों के लिए भी नहीं आया, बिकॉज वो वैसे ही उसी लाइन पे चल रहे हैं, अब अब्बा के साथ भी वो वैसे मैं कहती हूँ वो भी छोड़ दो ना, वो भी छोड़ दो, बट आप दो इंसानों को साथ लेकर आए, उन दोनों का एक दूसरे के साथ है, आप इतनी खूबसूरत चेंज दिखा सकते थे कि वो दोनों एक दूसरे की महरूमियों को कैसे कैसे फिल कर रहे हैं, कैसे मतलब मेहरू अभी तक माहिर के जख्मों पे मरहम रखने में फेल हो चुकी है, हालांकि वो देख रही है, मेहरू कुड हैव बीन द थिंग दैट ही नीड्स, यू नो माहिर कुड हैव बीन द थिंग दैट मेहरू जहांगीर साहब के पास हॉस्पिटल में जानी है रादर देन गोइंग एंड चेकिंग कि उनकी बेटी कैसी है या उनका बेटा कैसा है, उसकी बीवी और उसकी बेटी है जहांगीर की, वो आके देखे ना आपने कैसे दे दिया, आप अपने मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने मियाँ की महरूमी को देखें, वो रो रहा है उसको आपने नहीं किया, सो आई एम सॉरी, इतना खूबसूरत आइडिया था, इतनी जबरदस्त चीज थी, जहाँ पहले हुआ था ना हॉस्पिटल का सीन, पहले हुआ था मियाँ का बाद में हुआ था, नहीं बाद में हॉस्पिटल का सीन पिछली किस्त के एंड में वो दिखाता है जब वो
गाड़ी के साइड व्यू मिरर में शी कैन सी दैट ही इज सैड बिकॉज़ उसको अपने माँ बाप याद आ रहे होते हैं. ठीक है. उसके बाद इस वाली किस्त में वो जा रही है जहांगीर साहब का ख्याल रख रही है और कि भाई तुम माहिर को लेके जाओ या माहिर की दुख का कुछ करो मदावा, यू नो वो इतना फील करा है. अच्छा, देखो, नहीं इतना दिखा सकते थे यार कि ऐसे कपल्स को जिंदगी में वाकई क्या मुश्किलात होती हैं. आपकी रिलेशनशिप है, एज डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंस है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको कैसे फेस कर रहे हैं, कितना खूबसूरत दिखा सकते थे. फैमिली का रिएक्शन कैसे आ रहा है, दुनिया में कैसे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपने दिखाया. इसको और एक और लेवल पे ले जाके दिखाते, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस जैसे जो होती है वो दिखाते, तो ये कहानी कितनी खूबसूरत हो सकती थी. अब वो पूरा मसला डायल्यूट हो गया है, अब तो वो एज वेज छोड़ो, अब तो ये आ गया ट्रस्ट की बात आ रही है, मियां के ऊपर इल्जाम. वो जो कहानी जो शुरू हुई थी वो, एंड आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज I don't think it's that they just assume we are not intelligent enough, the makers. I think they also feel they are not confident about their storyline. अगर आप confident होते कि आप इतना अच्छा concept आप लेकर आए हैं तो आप उसी को लेके आगे चलें. आप उसमें इतनी सारे और जब चीजें डाल देते हैं, you are thinking कि आपकी कहानी इस बलबूते पे नहीं चल सकती है, जो आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज वो बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था. सो आई थिंक एक तो ये है स्क्रिप्ट को अगर डायल्यूट करें. सेकेंडली अगेन जहांगीर साहब की भी मुझे लगता है कि जर्नी वही की, मतलब किसी भी कैरेक्टर की जर्नी आगे, क्योंकि वो भी उठा के अभी माहिर को थप्पड़ मारेंगे, भाई आप अपने बेटे को नहीं जान सके, आप समझ ही नहीं सके अभी तक इतने सालों से, यू रियली आर अ फेल्ड पेरेंट. एंड देन गो एंड स्पीक टू हिम यार, हेलो कम ऑन, आई एम सॉरी, तो आई एम लूजिंग माय पेशेंस विद जहांगीर साहब. आप बैठे नहीं, आपने उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, आप रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाउ ही इज एंड नाउ यू आर ब्लेमिंग हिम, हाउ डेयर यू इवन टच हिम. आप जाके आपने उससे बात की, समझाने की कोशिश की, आप अज्यूम कर रहे हैं वो खुद ब खुद फरिश्ता बन जाए. Sorry, yes. But very, very, yeah. So calm down. I think that is all. That is all from my side for Dubara. And And we are done. Yeah, we are done. तो जी आप बताइए, आप लोगों को परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. आई रियली हैव टू गिव अ शाउट आउट टू बिलाल अब्बास खान, आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब. जिस वक्त वो उसको बोल रही होती उनकी आंखों में बहुत दर्द था माहिर की, दैट ही कुडंट बिलीव दैट यू नो मेरे ऊपर ही इल्जाम लग रहा है, मेहरू नहीं वो कर रही है, यू नो. सो आई लाइक हिज परफॉर्मेंस देयर. एंड सकीना समो, शी इज ऑल्सो सो लाइक इतनी कूल वो परफॉर्म करती है ना, कि ऐसे change hota hai, transition hota hai. It's really nice to see, interesting to see that transition, you know. Yeah, she's very confident about herself. I also felt that Seher ki and Afan ki performance is safa achhi thi. Yes, definitely. And dono ka wo scene tha saath mein jab wo baithe hote hain bahar, usme bhi kafi aapko chemistry nazar aa rahi thi. You could feel a connection between them. Yeah. Okay. Okay, ji. Hum ab wrap up karenge drama ka. Aap log comments mein zarur bataiye. How did you like the episode? Aur hamara review aapko kaisa laga? Comments karte rahiye. Inshallah hum padhte rahenge. Allah Hafiz. Allah Hafiz.